हेलो, वेलकम टू FTS Travel App। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप FTS Travel App के माध्यम से अपने लिए एम्बुलेंस, पिकअप वैन और क्रेन भी बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एम्बुलेंस ड्राइवर हैं या अगर आपके पास एम्बुलेंस है तो आप उसे FTS Travel App में जोड़कर किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि FTS Travel आपको आपके शहर में बाइक और कार आपको उपलब्ध कराता है, लेकिन अब आप एम्बुलेंस, पिकअप और क्रेन भी आप अपने शहर में प्राप्त कर सकते हैं FTS Travel App के माध्यम से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये FTS Travel App का ये फ्रंट पेज है, जहां इंटीरियर सिटी में आप अपने शहर का नाम डालकर डेट में अपने स्टार्ट डेट और इन डेट को डाल सकते हैं। उसके बाद आप सर्च बाइक एंड कार करने पे बाइक और कार सर्च करेंगे और अभी आप एम्बुलेंस, पिकअप और क्रेन को सर्च करके अपने शहर में एम्बुलेंस, क्रेन और पिकअप वैन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपने बता रहा हूँ कि आप अगर आपके पास एम्बुलेंस है तो आप उसे FTS Travel App के माध्यम अब मैं किस तरीके से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो अगर आप एम्बुलेंस ड्राइवर हैं या अगर आपके पास एम्बुलेंस है तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आप आई बटन को क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका प्रोफाइल का पेज है। प्रोफाइल का पेज में आपको ऊपर प्रोफाइल दिख रहा होगा, जहाँ पे आप उसको क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि आप अपने बाइक, अपने एम्बुलेंस को किस तरीके से ऐड करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ स्विच टू ओनर मोड में जाना पड़ेगा। स्विच टू ओनर मोड में जाने के बाद एक पेज खुलेगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ओनर मोड का पेज है, जहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपको बुकिंग हिस्ट्री दिख रहा होगा। अगर आप अपना एम्बुलेंस को बुक करते हैं तो वो एम्बुलेंस आपका कब बुक हुआ है, क्या कब कैंसिल हुआ है, आपका कंप्लीट राइड कितना हुआ है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने एम्बुलेंस को आप मैनेज व्हीकल से अपने एम्बुलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप एम्बुलेंस को अपना नहीं रेंट पे देना चाहते हैं तब उसको वहाँ से क्लोज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ऐड व्हीकल से अपना एम्बुलेंस को ऐड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। बुकिंग वॉलेट में आपके वॉलेट में जो भी अमाउंट होगा वो शो होगा। लाइव ट्रैकिंग, अगर आपके एम्बुलेंस में GPS कनेक्शन लगा हुआ है तो आप उसको अपना लाइव ट्रैकिंग उसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। आधार कार्ड अपना वैलिडेट करने के लिए पेज है और अपना व्हीकल का स्टेटस आप इससे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऐड व्हीकल्स में कर दें। जैसे आप ऐड व्हीकल्स को क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, जहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले में कार है जो सेल्फ ड्राइव है, उसके बाद विद ड्राइवर कार है, फिर बाइक है, फिर क्रेन है, फिर एम्बुलेंस है और ये फिर पिकअप है। तो मैं यहाँ पे एम्बुलेंस है तो आपको एम्बुलेंस सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे एक पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना गाड़ी का जो भी नंबर होगा नंबर डालना पड़ेगा। नंबर डाल के आप फिर सेव करेंगे, फिर वो आगे जाएगा। उसके बाद फिर व्हीकल डिटेल्स खुलेगा, जहाँ पे आप अपना व्हीकल का जितना भी डिटेल्स है वो वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ आपको डिटेल्स वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले है एट मिनिमम फिक्स रेट, मतलब आप कितना मिनिमम फिक्स रेट कितने किलोमीटर। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि एट फिक्स्ड किलोमीटर है, मतलब मान के चलिए कि अगर आप 5 किलोमीटर चलते हैं 500 रुपये में तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा फिक्स्ड किलोमीटर में 5 और फिक्स्ड रेट में 500। उसके बाद का रेट, मतलब अगर हम उसके बाद का रेट मतलब पर किलोमीटर रेट फिर डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका पर किलोमीटर रेट है 20 रुपये, 5 किलोमीटर के आगे पर किलोमीटर रेट है 20 रुपये, तो वहाँ पे इसको 20 रुपये डालेंगे। अगर आप ड्राइवर का लॉजिंग और फूडिंग का चार्ज, जैसे मान के चलिए कि अगर आप बहुत दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर के लॉजिंग और फूडिंग का चार्ज भी आपको आपको डालना पड़ सकता है, तो आप अपने वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। इंटर एड्रेस में आप डालेंगे कि आप कौन से शहर के लिए काम करेंगे और फुल कंप्लीट एड्रेस में आप डालेंगे कि कहाँ से आप उसको आपको कहाँ पे वो आपको मिलेगा, मतलब एम्बुलेंस आप कहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नंबर डालेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहाँ से आपको अपना फोटो लगाना पड़ेगा, एम्बुलेंस का फोटो। तो सबसे पहले आपको फ्रंट इमेज लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आता है बैक इमेज, फिर आता है लेफ्ट इमेज, फिर आता है राइट इमेज। तो ये डालने के बाद आपका एम्बुलेंस जो है वो उसका इमेज आपके कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आप अपलोड करेंगे, फिर एक पेज खुलेगा जहाँ पे अपने जो अपना का जो एम्बुलेंस है उसका RC का इमेज यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर आप अपलोड करेंगे, फिर आपका पॉल्यूशन का इमेज डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपलोड करने के बाद आपका गाड़ी यहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस बहुत ही आसान है, ठीक है। आप 2 मिनट में अपनी गाड़ी को, अपने एम्बुलेंस को बुक आप इसमें रेंट पे लगा सकते हैं। और अगर आप फिर से आप देखना चाहते हैं कि आपके एम्बुलेंस से अगर ऐड हुई या नहीं, तो आप फिर से मैनेज व्हीकल में जाकर उसको आप देख सकते हैं कि आपका एम्बुलेंस यहाँ से आपको शो करेगा।
ठीक है, अगर आप अपने एम्बुलेंस को क्लोज करना चाहते हो, अगर आप अपने रेंट पे नहीं देना चाहते हैं, तो वहां से आप सिंपली उसको क्लोज कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, तो आपका एम्बुलेंस वहां पे जो भी शहर है उसमें आपको शो नहीं करेगा, ऑन करने पर वो शो करेगा जहां से कस्टमर जो है आपको वो बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, इसे आप एम्बुलेंस से ही आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो को बहुत शेयर करें, और आप जितने भी आपके जानने पहचाने वाले हैं उसे वीडियो को शेयर करें, या ताकि वो अपने एम्बुलेंस को अपने शहर में बुक कर सकते हैं। बाकी का जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में बाइक एंड कार के लिए भी अलग से सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।